और अब खबर चुरू के सुजानगढ़ से, जहां मरुधरा में एक बार फिर से आपको बता दें कि खुशी का माहौल दिखा। धोरों की धरती में बसे शहर के एक ही मोहल्ले के दो होनहारों ने यूपीएससी परीक्षा में बाजी मारी है। कस्बे के नयाबास के भारत सोनी ने अपनी कड़ी में मेहनत और लगन के बूते 188वीं रैंक हासिल की और वहीं सत्यनारायण प्रजापत को 445वीं रैंक मिली है। पहली बार जिले के एक ही शहर के दो बेटे एक साथ आईएएस बन चुके हैं, जिनकी इस उपलब्धि पर पूरे शहर में जश्न का माहौल है। दोनों के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। अपने पहले ही प्रयास में 45वीं रैंक हासिल करने वाले भारत सोनी ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने परिवार को दिया। और वहीं आपको बता दें कि भारत सोनी के पिता घर पर ही छोटी सी दुकान में ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है मेरी सफलता का श्रेय मैं मेरी माता पिता, मेरी छोटी बहन, मेरा छोटा भाई और जो मेरे समस्त मित्रगण हैं, जैसे अरथ कुंडलिया मेरा जो है मित्र, उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया है। और जो पढ़ने की बात आती है, कितने समय पढ़ा जाता है, मेरे ख्याल से मेरा मानना यह है कि क्वालिटेटिव स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन क्वान्टिटेटिव। तो मैं मानता हूँ जब आपका मन होता है पढ़ने का, तभी आपको जो है आप अच्छी तरीके से चीज़ों को ग्रैप्स कर पाते हो। उसके बजाय अगर बैठे रहते हो अगर किताबों को बिना मन लगाए, तो मेरे ख्याल से वो इतना इफेक्टिव नहीं है। और आज फाइनली 3 साल की जो है एक प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आया है, उससे मैं काफ़ी खुश हूँ और घर में भी उत्साह का माहौल है। खुश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम मैं चाहती हूँ कि हर माँ का बेटा ऐसे ही पढ़े और हर माँ का सपना पूरा हो। अच्छा लग रहा है मुझको और घर में सिर्फ खुशी का माहौल है। और मेरे बड़ोरों की पुण्याई है, पूर्वजों की पुण्याई के कारण ये सफलता हासिल हुई है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।